गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास टेंथ विषय कला, रानी रघुदेवी इंटर कॉलेज, शशि कपूर सर। हाउ आर यू, कैसे हैं आप? हमारी समझ से सब अच्छे और सुरक्षित होंगे, मास्क लगाते होंगे, हाथ को धुलते होंगे, साफ़ सुथरा घर को रखे होंगे, अधिकतर बाहर ना जाने का काम करें, संभव हो तो घर में ही रहें। आज हम लोग ज्यामितीय लेखन पढ़ेंगे, जिसमें ज्यामितीय कला में प्रयोग होने वाले शब्दों की परिभाषाएं हैं, जैसे बिंदु है, सीधी रेखा है, वक्र रेखा है, पड़ी रेखा और खड़ी रेखाएं। ये सब ज्यामितीय आलेखन में आते हैं। मैथ में भी इनका प्रयोग होता है और कला में भी इनका प्रयोग होता है। बिंदु है, बिंदु से केवल एक ही विशेष स्थिति का ज्ञान होता है, किंतु बिंदु से लंबाई, चौड़ाई तथा मोटाई ज्ञात नहीं होती। जैसे बिंदु को एक पॉइंट कहीं रख देंगे आप, तो केवल बिंदु का स्थान घेरता है और लंबाई, चौड़ाई, मोटाई नहीं होती है। सीधी रेखा, सीधी रेखा वह रेखा है जो दो बिंदुओं को मिलाने से कोई रेखा हमें प्राप्त होती है, वह सीधी रेखा कहलाती है। जैसे क और खा दो बिंदु बनाया और दोनों को आपस में मिलाया, सीधी रेखा कहलाएगी। वक्र रेखा, वक्र रेखा सीधी रेखाओं के अतिरिक्त सभी रेखाएं वक्र रेखाएं कही जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, वक्र रेखा सीधी रेखाओं के अतिरिक्त, जो भी सीधी रेखा है उसके अतिरिक्त जो भी टेढ़ी मेढ़ी उल्टी सीधी चौड़ी जो भी रेखाएं हैं वो वक्र रेखा कहलाएंगे, लेकिन जो सीधी रेखा है वो सीधी रेखा ही कहलाएगी, शेष वक्र रेखा कहलाएगी। पड़ी रेखा, जो समतल पर आधार के समानांतर सीधी खींची जाती है, समानांतर दो रेखा खींची जाए, वो पड़ी रेखा है। खड़ी रेखा, जो समतल पर लंब के रूप में समांतर खींची जाती है, उन्हें खड़ी रेखा कहते हैं। समानांतर रेखाएं वे सीधी रेखाएं जिन्हें दोनों ओर बढ़ाने पर उनके बीच की दूरी पर जगह समान रहे, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। समांतर रेखाएं वे सीधी रेखाएं जिन्हें दोनों ओर बढ़ाने पर उनके बीच की दूरी हर जगह समान हो, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। इनको अनंत रेखा भी कहते हैं, ये कहीं जाके आपस में मिलेंगी नहीं। असमांतर रेखाएं वे सीधी रेखाएं जो दोनों ओर बढ़ाई जाने पर कहीं न कहीं एक दूसरे की ओर आपस में मिल जाती हैं, वे असमांतर रेखाएं कहलाती हैं। वे रेखाएं जो असमांतर होती हैं वो सीधी रेखा से हट के थोड़ी तिरछी रेखा को बढ़ाएंगे तो कहीं न कहीं जाके वो मिल जाएगी, वो असमांतर रेखाएं कहलाती हैं। फिर से ध्यान देंगे, बिंदु एक ऐसी स्थिति ज्ञात करता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई नहीं होती, बिंदु रेखा कहलाती है। सीधी रेखा दो बिंदुओं को मिलाने वाली ऐसी रेखाएं जो लंबाई में छोटी हो, सीधी रेखा कहलाती है। वक्र रेखा सीधी रेखाओं के अतिरिक्त सभी रेखाओं वक्र रेखा कही जाती है। पड़ी रेखा जो समतल पर आधार के समांतर खींची जाती है, वो समांतर रेखा है। खड़ी रेखा जो समतल पर लंब के रूप में समांतर खड़ी हो,
जैसे आप सरिया को देखें, सरिया जब खड़ी रहती है तो खड़ी बोली जाती है, तो समांतर हो जाती है। समांतर रेखाएं वे सीधी रेखाएं जिन्हें दोनों ओर बढ़ाने पर उनके बीच की दूरी हर जगह समान रहे, समांतर रेखाएं कहलाती है। असमांतर रेखाएं वे सीधी रेखाएं जो दोनों ओर से बढ़ाई जाने पर कहीं न कहीं एक ओर मिल जाए, वह असमांतर रेखा कहलाती है। आज का टॉपिक इतना ही, शेष कल मिलेंगे, फिर कहेंगे मास्क लगाएं, घर से बाहर कम निकलें, एक दूसरे को हाथ ना मिलाएं, घर को साफ़ सुथरा रखें। धन्यवाद।